Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Jatin here, your friend and coach. Today I'm back with the life story of the Sindhutai Sapkal. What you learn from this life story? Please comment in the comment box. And if you like my video, give thumbs up. And if you think that this video can be very knowledgeable, then please share this video. And if you want to dislike video, then please subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. And now start the video. सबसे पहले हम सिंधुताई के बारे में करते हैं। सिंधुताई के सोशल वर्कर हैं और एक्टिवली अभी काम कर रही हैं अनाथ बच्चों को बड़ा करने में, और अभी उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है 2021 में एज सोशल वर्कर कैटेगरी में। और सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 में हुआ था और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में हुआ था। लोग उन्हें माई के नाम से जानते हैं। उनके पति का नाम श्री हरि सकपाल हैं। उनके खुद के 4 बच्चे हैं और अब करंटली उनके पास 1500 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। उनके मतलब 1500 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, क्यों किए हैं वो भी आगे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। उसके बाद है उनके पेरेंट्स अभी मंजी सेठ हैं, उनके पिता का नाम है अभिजीत मंजी सेठ हैं। अब उनकी मतलब लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके जो ऐसे बताया कि वो ग्रेजुएट फैमिली में मतलब जन्म लिए 1948 में 14 नवंबर में। तो उनकी मतलब फैमिली मतलब अच्छी नहीं थी, तो उनकी जो जल्दी उन्हें उनकी 12 साल की एज में उनकी शादी हो गई। और घर की बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति होने के कारण और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण तो उनकी जल्दी मतलब उन्हें शादी के लिए जोर दिया गया, तो जिसके कारण उन्हें मतलब उनकी अपनी फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ना पड़ा और उन्होंने 4वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी की। तो 12 साल की एज में उनकी मतलब शादी हो गई 20 साल के आदमी के साथ वादा डिस्ट्रिक्ट में। जब वह नए घर गई तो वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ की लोकल औरतें थी उनके लिए जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसके लिए उन्होंने बहुत काम किए, जैसे कि वहाँ की जो औरतें थी वहाँ गाँव गोबर लेने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी के मतलब ज़मीन पर जाती थी तो उनके साथ जो शोषण होता था तो उसके लिए वह लड़ी। और सिंधुताई ने 20 साल की एज में मतलब तीन लड़कों को जन्म दिया। तब तो उनका जब चौथा बच्चा हो रहा था मतलब जब 9 महीने का जो प्रेग्नेंट थी 20 साल की वर्ष में, तब उनकी जो पति ने उन्हें मतलब बहुत पीटा और इतना पीटा कि उन्हें मरने के लिए मतलब मरने के लिए छोड़ दिया। एंड जब उन्हें मतलब मरने के लिए गाय की जो तबेला होते हैं वहाँ पे गाँव शेल्टर में वहाँ पे छोड़ दिया और उन्होंने बेहोशी की हालत में एक बेबी को जन्म दिया। और वहाँ पे एक जो गाय थी उन्होंने उसका सिंधुताई का संरक्षण किया और मतलब उनके पास कोई गाय ना आ सके तो उनका मतलब संरक्षण कर रही थी। तो जब सिंधुताई को होश आया तब उन्होंने देखा कि सिंधुताई एक गाय उनका संरक्षण कर रही है। तो वो उन्होंने मतलब वचन लिया कि मतलब गायों के लिए मतलब काम करेंगी। तब जब उन्हें होश आया तब वो मतलब अपने बच्चों को मतलब सिंधुताई एक गरीबी स्थिति में शुरू में गलियों में या रेलवे प्लेटफार्म पे जीने के लिए मतलब भीख मांगा करती थी। और उन्हें डर होता था कि मतलब रात को मतलब कोई बंदे जो आदमी था उन्हें उठा के ना ले जाए, तो वह ज़्यादातर समय अपना शमशान घाट में बजाती थी जहाँ पे लोगों को जाने से डर लगता था। तो इसलिए शमशान में वहाँ पे जाके रोआ करती थी और शमशान में जाके रोया करती थी। तो उन्हें मतलब डर लगता था तो तब भी मैं वहाँ जाया करती थी। मतलब वहाँ पे उसे जो खाना वहाँ पे जो उनकी माँ चीता जल रही होती थी उनकी वहाँ पे चीता पर रोटी बनाकर मतलब अपने बच्चों को खिलाया करती थी। तो उन्हें कई लोग उन्हें मतलब भूत समझने लगे थे क्योंकि ज़्यादातर माँ रात में वही नजर आती थी। तो उसके बाद उनके मतलब कामों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंधुताई को जब प्लेटफॉर्म पर भीख मांगा करती थी गाना गाकर वो भीख मांगा करती थी और उन्हें गाने पर खाना मिलता था, तो उन्हें देखा कि कि कई बच्चे हैं जो उनके पेरेंट्स अपना नहीं रहे हैं, उनको छोड़ के चले गए हैं, तो उन्हें लाइक उनका कोई नहीं है, तो उन्होंने उन्हें अपना लिया। और फिर मैं बहुत ज़्यादा भीख मांगती थी और उनको खाना खिलाने के लिए। तो इससे पहले उन्होंने देखा कि तो कोई उनका फर्क ना करें, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को क्या किया, अपना जो बच्चा था उन्हें उसे संस्था में क्या दिया, डोनेट कर दिया। और उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें हर बच्चों हर अनाथ की माँ बनेगी, और इसलिए उन्होंने अपने जो बच्चे को एक संस्था में डोनेट किया। और कहना था कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए कौन जीता है, कह रही थी कि दूसरों के लिए जिएगी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को एक श्रीमंत दागू सेठ हलवाई के नाम की ट्रस्ट पे उन्हें अपना बच्चे को डोनेट कर दिया। वहीं पे उनकी अपने बच्चों की वहाँ उनकी जो फॉर्मल पढ़ाई और ग्रेजुएशन सब वहाँ पे उनकी हुई। इसलिए उन्होंने एक फ़र्क ख़त्म कर दिया कि अपना अपना और पराया के जो कहना कोई फ़र्क ना करे। तो इसलिए मैं अब अपने बच्चों को दूसरी संस्था में दे के और प्राय बच्चों को अपना समझ के पालन पोषण कर रही थी। तो महाराष्ट्र में एक टाइगर प्रोजेक्शन टाइगर प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ पे जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अंदर जो आदिवासी 84 आदिवासी रह रहे थे, तो उन्हें हटाने की कोशिश हो रही थी। तो सिंधुताई ने वहाँ के आदिवासी के लिए वहाँ के लिए लड़ी और उनके जो आपस में जो कन्फ्यूज़न थी उनको दूर किया। और जब उनकी बात जो फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात हुई कि इनके हटाया ना जाए, जब तक इनके अरेंजमेंट रहने के लिए दूसरी जगह नहीं हो जाता तब तक इन्हें हटाया ना जाए, तो मिनिस्टर ने उनकी बात ने वचन दिया कि जब तक इनका खुद का रहने का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक इन्हें हटाया नहीं जाएगा। और उसके बाद आदिवासी में जो था कि वहाँ के जो पशु थे जो 84, तो उन्हें अगर कोई जानवर खा लेता था, जंगली जानवर खा लेता था, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था कि उन्हें मुआवजा देता था। तो जो प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी को वहाँ पे आई थी, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो वहाँ पे आई थी टाइगर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए, तब सिंधुताई ने वहाँ की वहाँ की जो फोटोग्राफ थी वहाँ के जो बंदे को गायब हुए थे जोखिम हुए थे उनसे उनसे मदद करने की हेल्प की कि अगर आप पशु कोई जंगली जानवर कोई पशु या उनका जानवर खा लेता है तो उन्हें मुआवजा मिलता है। तो अगर कोई इंसान को कोई जानवर खा लेता है, कोई जंगली जानवर इंसान को खा लेता है, तो उनको भी क्या है मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसलिए सुनकर क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उनकी बात सुनकर और उनकी बात सुनकर उन्हें क्या किया कि उनकी बात में एक दम था, तो उनके उन जो पर्सन घायल हुए थे जंगली बालू ने उनके खाया था, जो उनके जो जंगली बानर थे उन्हें खा लिया था, तो उनके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उस पर्सन को मुआवजा देना पड़ा। उसके बाद आदिवासी के जो बच्चे थे उनको अपना समझकर मैं वहाँ के जो खाना बढ़िया नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने उनके बच्चों को अपना समझकर अपनी संस्था में रख दिया और एक मिशन में कर दिया कि मैं सबकी माँ ही है। और मैं अभी तक 1500 से ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण कर चुकी है। और 1500 उसके बाद उनके 382 जो हैं उनके दामाद हैं और अप्रोक्सीमेट 50 हैं उनकी उनकी बहू हैं। और 1000 से प्लस ये है कि उनके जो है उनके जो बच्चे हैं जो उनकी संस्था में रह रहे हैं। और उनमें से जो इन्होंने बच्चे जो अडॉप्ट किए थे, अनाथ बच्चे थे, उनमें से कई लायर बन चुके हैं, कोई डॉक्टर बन चुके हैं। और उनमें से जो एक बच्चा है उन्होंने मतलब कि सिंधुताई के ऊपर ही पीएचडी की है। तो जो उनकी मतलब खुद की बच्ची थी वो मतलब इन संस्थाओं को मतलब इंडिपेंडेंटली चला रही है। और उन्हें मतलब सिंधुताई को क्या है कि 900 से नेशनल 900 या नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जो उनका मैं आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अभी तक मैं पूरी डेडिकेशन से अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हैं। और जो मतलब उनके इनाम में जो पैसा मिलता है, जो पैसा मिला था उन्होंने उन पैसों से क्या किया, एक संस्था जमीन खरीदी और उस संस्था में क्या उससे क्या है वहाँ पे एक अनाथ बच्चों के लिए घर बना लिया है। मोटिवेशन लाइन है जो कि मैं आपके सामने पेश करूँ। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहाँ निकला, मेरे जनाजे के पीछे मेरा सारा जहाँ निकला, पर वह नहीं निकला जिनके लिए जनाजा निकला। एक मतलब सिंधुताई की मोटिवेशनल लाइन है जो कि मतलब एज ए स्पीच मतलब जब उनके मतलब बुलाया जाता है एज ए ऑनर के लिए, तब वह मतलब उन्होंने मतलब यूज की हुई है। उसके बाद उनकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मतलब करंटली उनकी मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो मतलब अनाथ बच्चों के लिए मतलब और गाय के लिए मतलब पालतू पशु जिनका कोई मतलब कोई नहीं है उनके लिए मतलब काम कर रही है। जैसे कि शांति बाल निकेतन बहुत सारी जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं उनके इनाम की जो उन्हें तक मिल चुके हैं। जैसे 2021 में पद्म श्री अवार्ड मिला सोशल वर्कर कैटेगरी में, 2017 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब रामनाथ कोविंद के उन्हें मतलब डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है। 2016 में 2016 के अंदर सोशल वर्कर का ईयर अवार्ड मिला। 2014 में भगवान से भूषण पुरस्कार मिला 2014 के अंदर। 2013 में मदर टेरेसा अवार्ड मिला। उसके बाद मतलब उन्हें मतलब अब तक 900 के करीब मतलब इनाम मिल चुके हैं। 2013 के अंदर नेशनल अवार्ड मिला आइकॉनिक मदर एंड 2012 में रियल हीरो का अवार्ड मिला रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। 2012 के अंदर गौरव पुरस्कार मिला इंजीनियरिंग कॉलेज के पुणे की तरफ से। 2010 के अंदर 2010 के अंदर अबलही भाई होलकार का पुरस्कार मिला। और उसके बाद 2008 में वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मतलब उन्हें बहुत से अवार्ड मिले हैं। उनके ऊपर मतलब एक मराठी फिल्म बनी हुई है उनकी बायोपिक के ऊपर सिंधुताई।